अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 5। इसके बाद बी सेट है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू जेड एंड एक्स जो है वो लेस देन 6 हो जाएगा और ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस के नंबर्स हैं। तो अब हमें यहाँ फाइंड करना है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस ए, और जो इसके पेयर्स आएंगे, जो आंसर आएंगे, उनको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। तो चलें फिर यहाँ पर सबसे पहले हम सेट लिख लेते हैं। ए सेट है हमारा 2, 3, 4 एंड 5, ओके, एंड बी सेट है हमारा 3 से बड़ा और 6 से छोटा, यानी के -4 एंड -5। अब हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी सॉल्व जब हम करेंगे तो ए के हर एक एलिमेंट को बी के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 2 आ जाएगा -4 के साथ, देन 2 आ जाएगा 5 के साथ, ठीक है, सॉरी अगेन लिख लेते हैं, 2 आ जाएगा -5 के साथ। इसके बाद 3 की बारी, 3 पहले आएगा -4 के साथ, फिर 3 आ जाएगा -5 के साथ। इसके बाद 4 पहले आएगा -4 के साथ, इसके बाद आ जाएगा -5 के साथ। इसी तरह अगेन यहाँ पर आ जाएगा 5 4 के साथ, फिर 5 आ जाएगा -5 के साथ, ठीक है। तो ये हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया। अब हमारे जो ये पॉइंट्स आए हैं, अब हम इन्हें उसमें प्लॉट करेंगे ग्राफ में, ठीक है। तो ये रहा हमारा ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पॉइंट्स आए हैं, जो हमारा आंसर आया है, उसे हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। तो पहला है हमारा, पहला पॉइंट क्या है हमारा, 2 एंड -4, ओके। तो ये रहा 2 और ये रहा हमारा -4। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद सेकंड देखते हैं, तो सेकंड है हमारा 2 एंड -5। तो ये रहा 2 और इसके नीचे ही है हमारा -5, ये आ गया। इसके बाद है 3 एंड -4, तो ये रहा हमारा 3 और ये रहा हमारा -4। इसके बाद है 3 एंड -5, तो ये रहा 3 और इसी के नीचे आ जाएगा ये -5, ओके। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं। आप चाहें तो इन पॉइंट्स के साथ इनका पेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, ग्राफ मेरा छोटा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर पेयर नहीं लिख रही हूँ। आप अपने नोटबुक या जर्नल पे बनाएंगे तो आप क्या करें, आप पॉइंट्स के साथ साथ ही वो पेयर भी लिखें, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 4 एंड -4, ओके। तो ये रहा 4, ठीक है, और -4, तो ये आ गया। इसके बाद है 4 एंड -5, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया 4 और ये आ गया नीचे माइनस का 5, ये रहा 4 एंड -5 ही था। इसके बाद है 5 एंड -4 एंड देन 5 एंड -5, तो ये रहा 5, 5 एंड -4 ये रहा, एंड 5 एंड -5 इसी के नीचे आ गया। तो ये रहे वो 8 के 8 पेयर जो हमारे आंसर में आए थे। आप इसके साथ पेयर भी लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज के ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।